हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है सेकंड क्लास का है, ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट है ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप जैसे कि पढ़ना, हम कब जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं, बेबी। सिंपल छोटे से बच्चे होते हैं, बेबी बॉर्न, न्यू बॉर्न होता है। उसके बाद बड़े बड़े धीरे बच्चे होते हैं, चाइल्ड का रूप लेते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं अपने पापा की तरह, और फिर उसके बाद एजिड होते हैं। तो यही आपके चैप्टर में ग्रोइंग अप में है। तो आज देखिए इसमें इस चैप्टर में क्या है। तो इसमें बोला गया है, हाय आई एम रोहन। ये पूरा रीडिंग है एक तरीके से, इसको देखिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाएगी। हाय आई एम रोहन, एक रोहन नाम का लड़का है। आई एम 7 ईयर ओल्ड नाउ। वो कितने साल का है, 7 ईयर का, 7 साल का है। आई वॉज बोर्न एज अ बेबी। सभी बच्चे किसकी तरह पैदा होते हैं, बोर्न एज अ बेबी, बच्चों की तरह। एवरी वन इज बोर्न एज अ बेबी, सभी होते हैं। When I was a baby, I could not take care of myself. मतलब जब वो बेबी था तब वो अपनी केयर यानी कि अपनी देख रेख खुद नहीं कर पाता था, इवन फॉर फीडिंग यानी कि खाने के अलावा और वो कुछ नहीं कर पाता था। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैराग्राफ है, नाउ आई एम चाइल्ड। क्या है वो, अब बच्चा। पहले क्या था, बेबी बॉय, 7 साल का, 7 ईयर्स ओल्ड का। अब क्या आ गया, बच्चा हो गया, चाइल्ड। आई कैन डू मैनी ऑफ माई वर्क, वो अब काम कर सकता है, माई सेल्फ अपने खुद के काम कर सकता है। आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है, आई विल ग्रो टॉलर, बड़ा हो रहा है, एंड बिकम लाइक माई, किसकी तरह, अपने एल्डर ब्रदर की तरह। वो कितने साल का है, 13 ईयर की ओल्ड, ही इज 13 ईयर ओल्ड, अपने बड़े भाई की तरह दिखने लग गया है और बड़ा हो गया है और 13 ईयर्स ओल्ड के भाई के बराबर दिखने लग गया है। आफ्टर सम मोर ईयर यानी कुछ सालों बाद, आई वॉज बिकम एन एडल्ट, क्या बन गया वो, एडल्ट। एडल्ट किसे कहते हैं, 18 प्लस को, मतलब जो 18 साल से ऊपर हो जाता है उसको कहते हैं एडल्ट। लाइक माई फादर, फादर की एज क्या हो गया है, आई विल बिकम एन एडल्ट लाइक माई फादर। आई विल बिकम टॉलर, और बिकम मतलब लंबा, टॉलर हो गया, एंड हैवियर लाइक हिम, उनकी तरह हैवियर यानी कि हेल्दी हो गया है, टॉलर लंबा हो गया है। नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैनी ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, और सालों बाद यानी कि फादर्स के रूप में मतलब दिखने के बाद, मोर मैनी ईयर्स लेटर, आई विल ग्रो ओल्ड लाइक माई ग्रांड फादर, किसकी तरह, फादर की तरह हो गया, उसके बाद कैसे बनेगा, दादाजी की तरह। दादाजी को क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर। देन रिंकल, झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, जो एजेड हो जाते हैं, रिंकल विल बी डेवलप्ड ऑन माई फेस, फेस पे, एंड माई हेयर विल ग्रे, टर्न ग्रे। हेयर कैसे हो गए, वाइट हो जाते हैं, किसी के ग्रे हो जाते हैं, कोई कलर करता है, ब्राउन कलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या था कि ग्रोइंग अप यानी कि बड़े होना, बढ़ते हुए होना, जिस तरीके से आप हर एक बच्चा कैसा पैदा होता है, बेबी बॉय की तरह, बेबी गर्ल होता है, बॉर्न बच्चे की तरह होता है, बेबी की तरह पैदा होता है, उसके बाद वो अपना काम खुद नहीं कर पाता, अब तक इवन फॉर फीडिंग अपना केयर टेक केयर नहीं कर सकता खाने के सिवा। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो कुछ अपने काम कर सकता है, कर लेता, करने लग जाता है, और वो टॉलर किसके बराबर हो जाता है, अपने भाई की जगह, एल्डर ब्रदर की तरह। ही इज 13 ईयर ओल्ड, कुछ सालों बाद आई विल बिकम एन एडल्ट, अपने पापा की तरह दिखने लग जाता है, ठीक है, और उसके पापा के दिखने के बाद, और जब और वो बड़ा होता है, ग्रो होता है, तो वो किसकी तरह दिखता है, ग्रैंडफादर की तरह, और उसके फेस पे क्या हो जाती है, रिंकल्स, पूरी बॉडी पे इसके रिंकल्स हो जाती है, हाथों में, पैरों में, लेग्स में, एंड फेस पे, एंड हेयर विल टर्न ग्रे, हेयर का कलर कैसा हो जाता है, ग्रे। जैसे ही एक बेबी ग्रो करता है उसी तरीके से क्या प्लांट और एनिमल्स भी करते हैं, यस करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं हम आगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो ग्रो, यानी कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी जानवर भी क्या करते हैं, ग्रो। तो देखिए
फ्रॉम सीड, सीड कहते हैं बीज को. अ सीड ग्रो इंटू अ सीडलिंग विच लेटर, जो कि बाद में ग्रो इंटू अ स्मॉल प्लांट और अ ट्री. जो प्लांट होते हैं वो ग्रो कहाँ से करते हैं? सीड से. और सीड ग्रो करते हैं इंटू सीडलिंग, छोटा सा निकलता है ना पौधा, उसको सीडलिंग कहते हैं. विच लेटर ग्रो इंटू अ स्मॉल प्लांट और अ ट्री. फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये है सीड. सीड के बाद ये आपका ये छोटा सा जो बीज था, सीड था, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सीडलिंग में. ठीक है, ये है सीडलिंग. नेक्स्ट ये जो सीड था वो किसमें कन्वर्ट हो गई? रूट्स में, यानी कि जड़ में. और ये प्लांट थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया. पहले इसमें 3 लीव्स थी, अब ये और इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया? स्मॉल प्लांट. और लास्ट में इसके आगे जो होता है वो क्या बन जाता है? बिग ट्री. ये इसकी जड़ें, नीचे रूट्स. ठीक है, ये ट्री में कन्वर्ट हो गया. तो देखिए यही बोला है ना आपसे कि आप प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड. सीड से स्टार्ट करते हैं. जब भी हम पौधा बोते हैं तो क्या डालते हैं? बीज, खाद वगैरह डालते हैं ना, तो उसे सीड कहते हैं. थोड़ा सा बड़ा होता है उसको सीडलिंग, देन स्मॉल प्लांट, और बाद में जाके क्या बनता है? आफ्टर मोर ईयर बाद ट्री बनता है. ठीक है, अब एनिमल्स का देखिए. एनिमल्स कहां से? एग से होते हैं. Similarly, an egg of a bird had into a baby bird called birdling. The birdling later grow into a adult bird देखिए सिमिलरली बोला है कि एनिमल्स भी, मैंने बोला ना प्लांट्स जैसे बेबी बड़ा होते, वैसे प्लांट्स हैं एनिमल्स भी होते हैं, आल्सो ग्रो करते हैं. तो प्लांट का तो मैंने आपको बताया ना, पहले प्लांट कहाँ से? ग्रो सीड से, फिर सीडलिंग, देन स्मॉल प्लांट एंड देन ट्री. तो उसी तरह एन एग ऑफ अ बर्ड हैच, यानी कि इनके घोंसलों में इनटू अ बेबी बर्ड, बेबी बर्ड की तरह होता है, कॉल्ड बर्डलिंग. क्या कहलाता है वो? बर्डलिंग. द बर्डलिंग लेटर ग्रो, बर्डलिंग ग्रो करने के बाद इनटू क्या कहलाता है? एडल्ट बर्ड. देखिए
दिस इज एग। एग किसमें चेंज होगा? जब अंडा फूटता है तो बेबी बर्ड। ये इसके अंडों के टुकड़े हैं, ठीक है। बर्डली। और नेक्स्ट एडल्ट होने के बाद क्या बन जाता है? बर्ड। प्रॉपर बर्ड जैसा होता है ना। पहले एग था, फिर एग फूटा, क्या निकला? बेबी बर्ड, बर्डलिंग कहते हैं उसको। एंड देन एडल्ट के बाद बर्ड बन जाता है। ये कैसे ग्रो करता है? दिस टाइम दिस स्टेप्स आर, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ फिलप्स है वो देख लीजिए। फर्स्ट इज वी ग्रो टॉल अप टू द एज ऑफ 20 years। क्या आएगा? 20 years। सेकेंड है अ सीड ग्रोज। सीड कहां से ग्रो करता है? सीडलिंग। नेक्स्ट अनहैग हैच, यानी कि जब अंडा फूटता है इनटू अ बर्डलिंग। ये आपके फिलप्स थे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके क्लास सेकंड में चैप्टर फर्स्ट में ग्रोइंग अपने रिलेटेड जितने भी रिलेटेड इंक्वायरी थी वो मैंने सब दे दी है आपको। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।